तो स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। मैं हूं निखिल और हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन जो कि होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे और कार्बन कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है वो भी हम लोग इसमें पूरा डिटेल से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले पार्ट को। तो सबसे पहले समझते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन, अगर कार्बन में बॉन्ड बनता है, कार्बन अगर कंपाउंड बनाता है तो कैसे कंपाउंड बनाएगा। तो कंपाउंड बनाने के लिए होना चाहिए कि कार्बन, जैसे हम लोग इसके पहले आयोनिक बॉन्ड पढ़ के आए उसमें क्या होता था, ऑक्टेट को फुल किया जाता था, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो हमारा एलिमेंट जो है वो स्टेबल होता, जिसके कारण आयंस बनते थे। अब वही चीज यहाँ पे कंसेप्ट लगाना है। सबसे पहले हम लोग कार्बन एटम को थोड़ा देख लेते हैं। तो कार्बन एटम आपके सामने यहाँ पे है, जैसे कि आप जानते हैं सेंटर में 5-6 प्रोटॉन होंगे जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है कार्बन का। इसका मतलब हो गया कि इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे बीच में जो बैठे हुए न्यूक्लियस पे वो 6 होंगे, ठीक है। उससे हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है इलेक्ट्रॉन से, वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। बॉन्डिंग के लिए यहाँ पे हमारे पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन है जो कि के सेल, जो पहला सेल है उसमें दो उसमें फुल हो चुके हैं, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब उसके बाद वाला जो आउटर सेल है यहीं से हमें सारा खेल होता है। आउटर सेल जो एल सेल है, सेकेंड सेल एल जिसको बोलते हैं, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसके आउटर सेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को बैठे तो यहाँ पे हमारे सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है 2-4 होता है, ठीक है। और इसको आप डिटेल में लिखना चाहे तो 1s2 2s2 2p2 ये लिख सकते हैं, और ऐसे अगर के और एल के फॉर्म पे लिखना चाहिए तो 2 और 4 के फॉर्म पे आप लिखे। मतलब ये हमें समझ में आ रहा है कि इसके कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको स्टेबल होने के लिए जब भी ये बॉन्डिंग में जाएगा तो इसके 4 के जगह यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेबल हो जाएगा। अब 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, तो 4 सिंपल सा उपाय है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दो इसको, 4 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाएगा तो 2-8 हो जाएगा, 2-8 आ गया, ये ऑक्टेट में होना चाहिए, मतलब कि जो आउटर सेल है वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो फुल हो जाएगा। आगे इसका आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो यहाँ पे ये बॉन्ड बना लेगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात है 4 इलेक्ट्रॉन दे दो। दूसरा उपाय ये भी है कि यहाँ पे हम 4 इलेक्ट्रॉन को हटा लेते हैं तो भी ये हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, जो इसका आउटर सेल है के सेल बच जाएगा, यहाँ पे दो के सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी आ जाती है। तो या तो हमें यह समझ में आ गया कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो तो 8 हो जाएगा आउटर सेल में तो स्टेबल, या 4 इलेक्ट्रॉन इसमें से हटा लो, ठीक है, तो आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा जो कि के सेल का होता है वहां पे स्टेबल हो जाएगा। तो अभी तक हमें यह समझ में आया कि बॉन्डिंग के लिए चाहिए क्या, 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो चाहे 4 इलेक्ट्रॉन इसमें से हटा लो। ये कंसेप्ट मैं सेम वही वाला आयोनिक वाला यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, जैसे कि सोडियम हम लोग देखते थे, सोडियम था, सोडियम आयन बनाता था ना, तो सोडियम आयन कैसे बनाता था, सोडियम का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8-1 होता था, ठीक है। तो इसका ऑक्टेट फुल करने के लिए क्या, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आयन्स बना तो 1 इलेक्ट्रॉन हट जाता था, इसका हो जाएगा 2-8, 1 इलेक्ट्रॉन 1 हो जाता था। और वहीं पे क्लोरीन के साथ क्या होता था 2-8-7 होता था, इसको 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल जाता था, यहाँ पे 2-8-8, इसका भी ऑक्टेट फुल, इसका भी ऑक्टेट फुल, NaCl बन गया, यहाँ पे Cl माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये कंसेप्ट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन के साथ जो है कार्बन +4 कर दो, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन को हटा दो, या कार्बन के साथ -4 कर दो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 बना दो या 2-8 बना दो, ये 2 केस कर दो तो आपका काम हो जाएगा, कार्बन को स्टेबिलिटी मिल जाएगी। ओके, अब समझते हैं, अब दोनों केस ले लेके चलते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। अगर केस 1 की हम लोग बात करें, इफ कार्बन कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्मिंग C4-, ठीक है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन गेन कर लेता है तो कार्बन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, जैसे कार्बन हो गया, ठीक है, मैं 4 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करने को बोल रहा हूँ, जैसे कि शुरुआत में तो इसके पास 4 रहेगा, ठीक है, आउटर सेल यहाँ पे बना हुआ, 4 ये और ले ले तो 1-2-3-4, ऑक्टेट तो इसका फुल हो गया, 8 तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए इसके कारण फुल हो जाएगा, लेकिन होगा क्या, बट इट वुड डिफिकल्ट फॉर अ न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इसको समझो, यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियस पे पहले समझो, न्यूक्लियस में तो 6 प्रोटॉन है, ठीक है, 6p में लिख दे रहा 6 प्रोटॉन है, और बाहर में जब 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से इसको मिल गया तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। तो अब बताओ, यही प्रोटॉन ही तो इसको होल्ड करके रखता है इलेक्ट्रॉन को, ये कैसे होल्ड करेगा, 6 प्रोटॉन 10 को कहां से संभालेगा, ठीक है, ये निकल के तो भाग जाएंगे, ठीक है, इसी कारण से ये चीज नहीं हो पाता।
कार्बन पे 4 माइनस चार्ज नहीं हो पाता, चार इलेक्ट्रॉन ये गेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गेन कर पाएगा कि जो न्यूक्लियस में बैठा हुआ प्रोटॉन है वो एक्स्ट्रा चार इलेक्ट्रॉन को वो हैंडल नहीं कर पाएगा, इसी कारण से ये चीज नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो सी माइनस फोर एनायन जो बनेगा ये नहीं बन पाएगा। अब केस दूसरा बात करते हैं, पहला केस में इलेक्ट्रॉन ले लिए थे, अब की चार इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं। इट कुड लूज फोर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सी प्लस फोर कैटायन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आयन है तो कैटायन हो गया। ओके, तो यहाँ पे सी फोर प्लस की बात हो रही है। अब यहाँ पे समझो स्ट्रक्चर में क्या हुआ, कार्बन था इसमें चार इलेक्ट्रॉन थे, इस चारों को हटा दिया गया। ठीक है, तो कार्बन बचा जिसके आउटर सेल में दो बटा, अब जो के सेल है पहला सेल है वही आउटर सेल बन जाएगा, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन बच गया, स्टेबिलिटी तो यहाँ दिखा रहा है। हाँ हो सकता है, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव फोर इलेक्ट्रॉन लिविंग बिहाइंड अ कार्बन कैटायन विद सिक्स प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस जस्ट फॉर होल्डिंग टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यह समझो जैसे ही कैटायन बनता है, इलेक्ट्रॉन को हटाया जाता है किसी भी एलिमेंट से, तो एनर्जी देने पड़ती है। ठीक है, आप जैसे कार्बन के पास टोटल चार इलेक्ट्रॉन थे आउटर सेल में। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप एक को हटाओगे, फिर दूसरे को हटाओगे, उसके बाद होगा क्या कि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगने लगेगी इसके इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए। ठीक है, इतना एनर्जी आएगा कहां से, आने के लिए तो आ सकता है लेकिन इतना एनर्जी पे ये स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी यहाँ पे, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे मान लो किसी तरह आप हटा भी दिए तो सेंटर में न्यूक्लियस में बच गया छह प्रोटॉन, उसमें तो कोई चेंज होता ही नहीं है, और बाहर में बच गया सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन। अब ये कहां से संभव है, दो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस पे ही आके गिर जाएगा। ठीक है, इतने दो इलेक्ट्रॉन को छह प्रोटॉन, इतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा कि इस पर रिवॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, हो सकता है एटम कोलैप्स कर दे। एटम तो कोलैप्स नहीं करेगा लेकिन ये चीज कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही, क्योंकि यहाँ पे दो फैक्टर काम कर रहा है, एक तो बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा चार इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, प्लस यहाँ पे न्यूक्लियस के पास सिर्फ दो, छह प्रोटॉन के पास सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो फिर स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। तो ये दोनों केस जो है, चार इलेक्ट्रॉन को हटाने का, चार इलेक्ट्रॉन इसमें डालने का, कैटायन बनाने चाहे नाइट्रॉन, ये दोनों पॉसिबिलिटी नहीं बनती। तो अब कार्बन क्या करेगा, ठीक है, लेकिन कार्बन को तो बॉन्ड बनाना है, कार्बन अब बॉन्ड बनाएगा कैसे, तो कार्बन इस प्रॉब्लम से इवॉल्व होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर ले, ठीक है, मैं भी इलेक्ट्रॉन को यूज रखूं और अगला जिससे ये बॉन्ड बनाएगा वो भी रखे, अगर शेयरिंग कर लेता है तब इस प्रॉब्लम से निजात मिल सकती है। कैसे, कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम ऑफ कार्बन और विद अदर एटम ऑफ अदर एलिमेंट। ठीक है, दूसरे किसी दिया, या तो दूसरा कार्बन एटम है उसके साथ शेयर कर ले, या फिर कोई दूसरा एलिमेंट है उसके साथ शेयर कर ले। दिस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ बोथ द एटम एंड लेट टू बोथ एटम अटेंड द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। मुद्दा यह है कि कैसे भी करके हमें आउटर सेल में आठ को लाना है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को लेके जाना है। आउटर सेल में जो या तो आठ आ जाए, और के सेल है तो दो आ जाए, एलेमन है बाकी का आउटर सेल है तो उसमें आठ हो जाए, या फिर जो पहला वाला जो सेल है उसमें दो हो जाए। तो ये चीज हमें पूरी करनी है, अगर ये चीज पूरी हो जाती है शेयरिंग करके तो ये स्टेबिलिटी यहाँ पे हो जाएगी, तब यहाँ पे कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे आता है सामने कोवेलेंट बॉन्ड, अगर ये शेयरिंग ऑफ बॉन्ड होता है तो इसी को कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ देखो, जैसे कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे एक और कार्बन आइटम रख लो। ठीक है, अब कुछ ऐसा व्यवस्था हो जाए कि ये जो चार आइटम जो आउटर सेल में है और इसके जो चार आइटम आउटर सेल में है, ठीक है, ये आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें भी घूमेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें भी घूमेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें भी घूमेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेगा। अभी और क्लियर होगा, अभी मैं इसको और क्लियर बताऊंगा, पहले अभी ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि शेयरिंग हो रहा है। ठीक है, ये चारों इलेक्ट्रॉन इसमें भी घूमेगा, इसमें भी घूमेगा, तो यहाँ पे ये स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, ये चीज हो रहा है। अब हम लोग डिफिनेशन की बात करें, कोवेलेंट बॉन्ड को कैसे डिफाइन करेंगे। सच ए बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का, दोनों आपस में शेयर कर लेगा तो यहाँ पे होना चाहिए। खाली एक नहीं शेयर करेगा, जो भी एलिमेंट दो ठो रहेगा दोनों का तो एक एक होना चाहिए, दोनों शेयर करेगा, ये अपना एक ठो देगा इसमें भी घूमेगा और ये इसमें भी घूमेगा, ये भी अपना एक देगा जो इसमें भी घूमेगा और इसमें भी घूमेगा, इसके चारों घूमता है ना न्यूक्लियस के चारों, तो दोनों में घूमने लगेगा। तो ये चीज होता है, मतलब हमेशा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगी तब उसको कहेंगे
कोवेलेंट बॉन्ड। अभी बॉन्ड बनता कैसे वो अभी आगे आने वाला है, अभी यहाँ पे हमको ये समझना है कि कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वही आयोनिक बॉन्ड जो हम लोग पढ़े थे पिछले चैप्टर में, वहां पे क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया था। जैसे सोडियम और क्लोरीन बना था, सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें प्लस चार्ज था, इसमें माइनस था, मतलब कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इसको दे दिया था, ठीक है, इसीलिए तो माइनस चार्ज यहाँ पे हो गया और यहाँ पे प्लस चार्ज हो गया था। ये इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर होता है तब बनता है आयोनिक बॉन्ड, अगर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाता है तो वहां पे बनती है कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये अभी बेसिक डिफरेंस है, इसका दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है ये मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में लाऊंगा, यहाँ पे हम लोग अभी और डिटेल में कोवेलेंट बॉन्ड समझेंगे। ओके, अब जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये सिर्फ कार्बन में नहीं होता है बल्कि बहुत सारे अदर एलिमेंट करते हैं, ठीक है, बहुत सारे अदर एलिमेंट करते हैं, मेनली जो नॉन मेटल्स होता है, अभी अभी के लिए याद रखने के लिए, जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में जाते हैं, ठीक है। अब कुछ तो कार्बन का एग्जाम्पल तो अभी बहुत सारा आने वाला है, लेकिन कुछ अदर एग्जाम्पल है जो सिंपल मॉलिक्यूल है वहां पे हम लोग पहले समझ लेते हैं। जैसे कि जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें बनता है, जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब में हमारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है और इसमें जो बॉन्डिंग होती है उसको हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन जो H2 है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है इनके दोनों के बीच में उसको हम लोग कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड नहीं बन रहा है, ठीक है। उसी तरह ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, अभी और क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग एक कोवेलेंट बॉन्ड बना के देखते हैं, वहां पे हम लोग को क्लियर समझ में आएगा। जैसे कि फिगर में बना हुआ है उसको मैं फिर से यहाँ पे बना रहा हूँ, जैसे कि हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन के आउटर शेल में कितना होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है, तो एक डॉट मैंने लगा दिया, इलेक्ट्रॉन का हो गया। एक और हाइड्रोजन है, ये तो हाइड्रोजन एटम हो गया ना, एक सिंगल पीस, ठीक है, और ये दूसरा पीस है, ये दूसरा एटम हो गया। अब यहाँ पे हमें मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बनाना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का क्या फॉर्मूला होता है, H2 होता है, हम लोग शुरुआत से आते हैं, लेकिन आज पता चलेगा कि H2 बनता कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन का एटम हो गया, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम, दोनों के आउटर सेल में एक है, हाइड्रोजन में आउटर सेल K सेल है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये स्टेबिलिटी आ जाएगा, यहाँ पे आठ की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन हीलियम के लिए यहाँ पे सिर्फ आउटर सेल में दो इलेक्ट्रॉन हो तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन का, तो H यहाँ पे आ गया इसका इलेक्ट्रॉन, और ये H आ गया यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये इस तरह का अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये देखो, ठीक है। तो अब पहले वाले हाइड्रोजन के बात करो, ठीक है, ये पहला जो है इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसका है, इस वाले ही एटम का है, और ये जो दूसरा है ये इस वाले का एटम है। अब यहाँ पे होगा क्या, इस वाले हाइड्रोजन का देखो यहाँ पे दो आ गया क्योंकि शेयरिंग हुआ है, इसका वाला जो पहले वाला हाइड्रोजन एटम है इसको मैं फर्स्ट मानता हूं, इसको सेकंड मानता हूं, ये फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो। फर्स्ट वाला का यहाँ पे आप ध्यान से समझना, फर्स्ट वाला का जो इलेक्ट्रॉन है इसमें तो घूमेगा ही, फर्स्ट वाले में घूमेगा ही, ठीक है, जो सेकंड वाला जो है वो भी इसके साथ शेयर हो गया, तो सेकंड वाला का भी इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेगा, तो इसका आउटर सेल में कितने हो गए, दो हो गए, स्टेबिलिटी हो गई, ठीक है। उसी तरह से आप सेकंड पे आओ, सेकंड में इसका अपना ये वाला है इलेक्ट्रॉन, इसमें तो घूमेगा ही, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं घूमेगा, लेकिन ये पहले वाले से भी शेयरिंग किया हुआ, तो जो पहला वाला का इलेक्ट्रॉन है वो पहले वाले में तो घूम रहा था, इसमें भी आके घूमेगा, इसके आउटर सेल पे भी घूमेगा, ठीक है। तो यहीं पे हो गया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसमें एक डेफिनेशन में एक और चीज था, पेयर हमेशा शेयर होगा, हमेशा एक इसका चाहिए एक उसका चाहिए तभी शेयरिंग होगा, सिर्फ एक दे और दूसरा ना दे नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा, तब तो फिर आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। इसमें दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी होगा। अभी एक इलेक्ट्रॉन से मैं बात कर रहा हूँ, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का भी शेयर होगा, अगर एक दो शेयर करता है तो दूसरा वाले को भी दो करना पड़ेगा, एक तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो दूसरे वाले को भी तीन करना पड़ेगा, इस तरह से सिस्टम चलता है। अभी मैं हाइड्रोजन का बता रहा हूँ, इसके बाद धीरे धीरे कार्बन पे भी आऊंगा, क्योंकि सिंपल से समझना ज्यादा आसान होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल यहाँ पे बन गई, जो कि यहाँ पे फिगर में भी दिखाया हुआ है, यहाँ पे भी आप देख लो सेम चीज है, ठीक है। ये जो दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग बनी इसी को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई चार्ज नहीं आया यहाँ पे, ऐसा नहीं हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन अपना ये दे दिया और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया, तो वहां पे प्लस चार्ज माइनस चार्ज बन जाते, यहाँ पे ऐसा कोई चार्ज वर्ज नहीं बना, यहाँ पे सिंपली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इसलिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं बना। ओके, अब हम लोग समझते हैं मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का, ठीक है। तो O2 होता है मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम लोग O2 का ऑक्सीजन एटम ले और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इसका हो जाता है 8, ठीक है, 8 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो इसका निकल जाता है 2, 6, ठीक है। इसका मतलब इसके आउटर सेल में
जो के सेल हो गया, ये एल सेल हो गया, मतलब कि जो सेकंड वाला एल सेल है इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ओ टू बनाना है, दो ठो ऑक्सीजन एटम है दोनों अगल बगल, हम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में है, ठीक है। जैसे कि कार्बन में चार चार था, हाइड्रोजन में एक था, इसके आउटर सेल में 6 है। अब देखो ये कैसे बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए, ठीक है। न्यूक्लियस से हमें मतलब नहीं है, ठीक है, आउटर सेल से ही मतलब है, जहां पे भी बॉन्डिंग होगी वहां पे सिर्फ आउटर सेल से मतलब होता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन जो आउटर सेल में घूमते हैं उसी से मतलब, उसके इनर सेल में भी जो इलेक्ट्रॉन उससे भी मतलब नहीं होती। जैसे कि इसके अंदर में जो के सेल है यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब सिर्फ आउटर सेल से। ओके, अब दूसरा ऑक्सीजन एटम यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ठीक है। अब दोनों को ऑक्टेट पूरा करना है, अब सोचो कैसे होगा, यहाँ पे तो 6 है, अगर ये 2 इससे ले ले, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर ले तो यहाँ पे 8 पूरा हो जाएगा, वैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन ये इसको शेयर कर दे तो यहाँ पे भी 8 पूरा हो जाएगा। आप देखो पिछले वाला में हाइड्रोजन वाला में कैसे हुआ था, यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे हाइड्रोजन का एक था, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का एक था, आपस में दोनों शेयर कर लिया, यहाँ पे बन गया, यहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे था अलग अलग, यहाँ पे आपस में शेयर कर लिया। तो अब यही चीज यहाँ पे देखो, ये दोनों हो गया, अब यहाँ पे शेयरिंग कैसे करेगा, ऑक्सीजन का एटम यहाँ ऊपर 2 छोड़ दो, यहाँ 2 छोड़ दो, यहाँ 2, ठीक है, और ये 2 बन जाएगा ऑक्सीजन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये और ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब गिनना शुरू करो, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तो इसका हो गया और 2 इसका ले गया, 6, 7, 8 ऑक्टेट पूरा हो गया ना इसका, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, और इसका ऑक्टेट का मतलब हो गया आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा होना को ऑक्टेट कहेंगे। यहाँ पे भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन इसका, और 2, 2, 4, 2, 6, 6 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इससे शेयरिंग कर लिया, इसका भी ऑक्टेट पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे बन गई, अब यहाँ पे देखो कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुआ है, तो सिंगल पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, डबल पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन से हुआ, एक पेयर ये किए, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है, ये दोनों आपस में शेयरिंग किया इलेक्ट्रॉन। होगा ये कि इसका 6 इलेक्ट्रॉन जो है इस वाले पहले वाले एटम का, वो तो इसके आउटर सेल में घूमेगा ही, जो दूसरा वाला है उसका भी घूमेगा, ठीक है, उसका जो दूसरा है वो अपना में घूम रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया, मतलब कि इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो आके इसमें भी घूमेंगे और इसका 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो जाके दूसरे वाले में भी घूमेगा। तो दोनों का स्ट्रक्चर पूरा, दोनों का ऑक्टेट पूरा, यहाँ पे बॉन्डिंग बन गई। अब इसको हम लोग लिखेंगे क्योंकि कैसे, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे कर देंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन बच गया बाहर में जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसको कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आगे आएगा, अभी नाम याद कर लो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे पार्टिसिपेट किए बॉन्डिंग, यहाँ पे इसको कहेंगे डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन में क्या हुआ था, एच एच जो पिछले वाला था, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन सब, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, एक वन पेयर मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसका, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है कैसे ये, और इसमें हम लोन पेयर क्यों नहीं, इलेक्ट्रॉन बचा है कहा, जब बचेगा तो लोन पेयर बचेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे लोन पेयर नहीं दिख रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जो था वो शेयरिंग में चला गया। यहाँ पे हम लोग ऐसे दिखेंगे इसका स्ट्रक्चर O2, तो आज तक जो हम लोग O2 लिखते आए थे वो O2 एग्जैक्टली ऐसे आता है, और जो हाइड्रोजन जो लिखते आए थे वो ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और ऐसे इसका शेयरिंग हो रहा है। और एग्जाम्पल से समझते हैं, नाइट्रोजन का समझते हैं, नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाता है 7, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले यही जरूरी है, ठीक है, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसके लिए एटॉमिक नंबर आप याद रखो, 1 से लेकर 20 तक याद कर लो, आपका काम हो जाए, कैल्शियम तक याद कर लो, हाइड्रोजन से लेकर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोलो, इस तरह से करके कैल्शियम तक याद कर लो, एक पेज में 2-4 बार लिख लोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2 और 5, ठीक है, आउटर सेल में कितना है, 5 है। अब फटाफट बनाते हैं इसका, नाइट्रोजन एक एटम, नाइट्रोजन एक एटम, अब यहाँ पे देखो 5 है तो 2 इधर लिख दिए, 2 इधर लिख दिए, 1 इधर लिख दिए, 2 इधर लिखे, 2 इधर लिखे, 2 इधर लिखे, 5 5 इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग करना है इसको तभी ये बनेगा, 5 इलेक्ट्रॉन है, ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए यहाँ पे इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए कि ये स्टेबल हो जाए, देखो इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन 2 5 है ना, आउटर सेल में 5 है, इसको 8 कर दिया जाए तो काम हो जाएगा, प्लस 3 चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे शेयरिंग होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन एटम है, तो नाइट्रोजन एटम है, यहाँ पे इसको 3 इलेक्ट्रॉन इसका वाला चाहिए और इसको 3 इलेक्ट्रॉन इसका वाला चाहिए, तो इसको फिर से लिखो डॉट स्ट्रक्चर, एन 3 ऐसे कर दो और 2 ऐसे रखो, फिर एन 3 ऐसे कर दो और 2 ऐसे लिखो,
वही चीज लिखा हूं मैं, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं कर दो, इलेक्ट्रॉन है कहीं पे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे समझो ये वाला कैसे बॉन्डिंग करेगा, ये देखो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 इसके खुद के और 3 इसके शेयर कर लिए, 5 इसके खुद के हो गए, 6 7 8 खत्म बात, 8 इसका पूरा। अब इस वाला नाइट्रोजन एटम पे जाओ, खुद का कितना है 1 2 3 4 5, ये तो खुद का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 3 इसको और शेयर करवाना है, 3 ये इससे लिया तो ये अपना वाला भी 3 देगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इस वाले बड़े घेरे में देखो, ठीक है, इसमें कितने आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 8 हो गया, इस वाले में भी देखो 8 है, दोनों इलेक्ट्रॉन स्टेबल, यहाँ पे 2 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, 2 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे बॉन्डिंग मिल गया। अब देखो यहाँ पे पेयर कितने पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, ये ध्यान दो, ठीक है, 1 2 3 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, एन ट्रिपल बॉन्ड एन लोन पेयर, 2 2 2, ठीक है, जो N2 हम लोग आज तक लिखते आए थे नाइट्रोजन को, वो ऐसा होता है, उसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे बॉन्डिंग बन गई। तो जो भी कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। सिंगल बॉन्ड का मतलब सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुआ है, डबल में डबल, ट्रिपल में ट्रिपल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुआ है। तीनों का मैंने एग्जाम्पल दिखा दिया, हाइड्रोजन का यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड N3, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल के लिए फ्लोरीन का बनाओ F2, ठीक है, फ्लोरीन जो होता है फ्लोरीन गैस, उसका आप इलेक्ट्रॉन डॉट कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो कैसा बनेगा आप खुद बनाओ। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का हो जाता है 9 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाता है 2 7, ठीक है। आप सोचो एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, ठीक है, अब कैसे शेयर्ड करेगा, क्या करेगा, आप समझो इसका आप खुद प्रैक्टिस करके पेन पेपर पे खुद से बनाने का कोशिश करो, वीडियो पॉज करके, मजा आएगा बनाने में, करो इसको, ठीक है। फ्लोरीन बना लेना तो उसका क्लोरीन भी बना लेना, ठीक है, Cl2 होता है, ठीक है, इसमें ही मजा आएगा बनाने में, ओके। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो अभी तक हम लोग जो देख रहे थे वो सब दोनों आपस में सेम मॉलिक्यूल थे, दोनों सिमिलर थे, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन था, फ्लोरीन एग्जाम्पल बताया, क्लोरीन बताया। अगर यहाँ पे डिफिनेशन में तो कोवेलेंट बॉन्ड में ये भी था कि दूसरा भी तो हो सकता है, अब हम लोग दूसरा लेके चलते हैं, जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन तो कोवेलेंट बॉन्ड करता ही है, जैसे कि मैंने बताया कि 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको 4 और चाहिए तो हो जाएगा, जैसे अभी ऑक्सीजन किया, तो कार्बन का और हाइड्रोजन का ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनाएंगे, मीथेन में, मीथेन का क्या फॉर्मूला होता है, CH4 स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, अभी ये पूरा मैं यहाँ पे बना के दिखाऊंगा कैसे आया, ठीक है। सबसे पहले कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया यहाँ पे 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख देते हैं 2 4, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हम लोग जानते हैं 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि इसमें 4 जो है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन के साथ ये शेयरिंग करेगा तो स्टेबिलिटी हो जाएगा कार्बन में, और हाइड्रोजन 1 के साथ करेगा तो हो जाएगा, ओके। अब देखो CH4 है जो फॉर्मूला है मीथेन का, मीथेन एक गैस होता है, उसमें 4 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है, ओके, तो कार्बन लिखो आप, ठीक है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में, 4 होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन में कितने होते हैं, अभी मैं अलग, 1 होते हैं, तो इसके चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन लिख दो, ठीक है। अब हाइड्रोजन का जो है वो मैं क्रॉस से इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं कि समझ में आए, यहां पे आप देख सकते हो, तो ये जो क्रॉस है ये एक तरह का, इसको इलेक्ट्रॉन मानो जो कि हाइड्रोजन का, इस वाले हाइड्रोजन का है, इस वाले हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन है, इस वाले हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन है, इस वाले हाइड्रोजन के, और यहाँ पे जो डॉट मैंने बनाया है ये कार्बन के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है, पता चले कि ये इसका वाला इलेक्ट्रॉन है, वो उसका वाला इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसलिए है इलेक्ट्रॉन, दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम ही होते हैं, लेकिन अभी समझने के लिए कि दोनों का अलग अलग मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब हाइड्रोजन का पहले बॉन्डिंग करना स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन को तो 2 ही चाहिए, आउटर सेल में 1 है, 1 और मिल जाए इसका काम हो जाएगा, जैसे कि H2 में हम लोग देखे थे H और H बनाया था ना यहाँ पे, जैसे अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया। अब यहाँ पे देखो ये कार्बन के एक एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग कर ले और अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग कर ले तो यहाँ पे काम इसका बन जाएगा, तो लोग इसका काम मैंने बना दिया यहाँ पे, इसका बन गया। उसी तरह से सिमिलर दूसरे हाइड्रोजन का भी यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे भी तीसरे का भी यही सेम चलेगा, चौथे का भी सेम चलेगा। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे याद रखो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, शेयरिंग करना का मतलब तुम भी यूज करो मैं भी यूज करता हूँ,
दिया नहीं है, ये नहीं कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन उठा के दे दिया या कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ पे लेन देन नहीं हो रही है, ये लेन देन होती है आयोनिक बॉन्ड में, वहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन उसके सेल में भी, आउटर सेल में भी घूमेगा और इस अपने वाले में तो घूमेगा ही घूमेगा। ठीक, तो यहाँ पे कार्बन, ये चारों हाइड्रोजन को मैंने स्टेबल कर दिया। अब देखो शेयरिंग यहाँ पे भी हुई है, ठीक है, अब कार्बन भी तो शेयरिंग कर लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन इन सब से ले लिया, तो यहाँ पे देखो आठ इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखो, ये आप देख सकते हो, अब देखो इलेक्ट्रॉन गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8 कार्बन के भी 8 पूरे हो गए। ठीक है, तो यही चीज स्ट्रक्चर यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, मेरा डिजाइन थोड़ा सा गड़बड़ बना है, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट गोला गोला करके दिया है। ठीक है, तो चीज वही है। अब देखो यहाँ पे, तो अब इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म पे लिखेंगे, डैश स्ट्रक्चर में, तो कार्बन हो गया, इसके साथ सिंगल बॉन्ड पे हाइड्रोजन, कितना सिंगल बॉन्ड मैंने कैसे लिख दिया, यहाँ पे सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन उसका, पेयर में देखो, पेयर मतलब होता है जोड़ा, तो दो इलेक्ट्रॉन ही है ना, एक जोड़ा, ये एक जोड़े को बता रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, तो इसलिए सिंगल बॉन्ड, अगर दो जोड़े कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड रहता है, कार्बन हाइड्रोजन ऐसे, ये हाइड्रोजन ऐसे और ये हाइड्रोजन ऐसे। ठीक है, ये बन गया मीथेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत सिंपल था, इसी तरह से सारे बॉन्ड स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इथेन का बात करते हैं, C2H6। ठीक है, इथेन गैस होता है, इथेन, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, दो कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन और इसके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1, 2, 3, 4, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3, 4। ठीक है, मैं इथेन का बता रहा हूँ इसका। ठीक है, यहाँ पे डाटा सेम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का 1 यहाँ पे। ठीक है, सेम लेके चला, अब धीरे धीरे अपना याद हो जाएगा। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, अगर एग्जाम में आके डॉट एक्सट्रक्चर लिख के बताओ तो भी पूरा लिखना, यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट अगर खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं या समझना है तो कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर बन गया, चारों हाइड्रोजन को बैठा दो, 6 हाइड्रोजन है, 6 इसका क्रॉस कर देता हूं मैं। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे क्रॉस। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन को देखो, यहाँ पे बना लिया ये अपना, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये बन गया और ये यहाँ पे बन गया, हाइड्रोजन का बॉन्डिंग पूरा। ठीक है, अब कार्बन देखो, कार्बन क्या करेगा, इसके पास कितना हो गया शेयरिंग करने के बाद, हाइड्रोजन का तो सब शेयर करके दो दो हो गया, अब यहाँ पे कार्बन का देखो, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। ठीक, उसी तरह सिमिलर इस कार्बन का भी 7 है, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। ठीक है, अब जो एक एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बैठा हुआ, आपस में शेयरिंग कर लेगा। ठीक है, आपस में शेयरिंग करेगा, तब देखो हिसाब किताब कैसा बैठने वाला है इसका, ये देखो, ये 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 ये, ठीक है, उसी तरह से ये भी करेगा ऐसे 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 ऐसे, मतलब कि एक कार्बन एटम जो है वो 3 हाइड्रोजन एटम के साथ शेयरिंग किया और एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ शेयरिंग कर दिया और स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो यहाँ पे देखो, 4 इसका और 4 3 हाइड्रोजन का लिया, 4, 3, 7 और दूसरे वाले कार्बन का एक ले लिया, 8 पूरा। उसी तरह से इस कार्बन का भी 3 हाइड्रोजन से लिया, 4 इसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन था, 3 शेयरिंग कहाँ से कर लिया, हाइड्रोजन से, तो 4 और 3, 7 हो गया और एक और कहाँ से ले गया, दूसरे वाले कार्बन से। ठीक है, इसके 8 पूरे हो गए। यहाँ पे आप देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जैसे मैंने मीथेन का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया ना, इसका इसे इसका बनाने का कोशिश करो, कार्बन पे 3 हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ओके, फिर एक कार्बन कार्बन से स्ट्रक्चर लिया था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हो गया हमारा इथेन का स्ट्रक्चर। मीथेन के दूसरा आता है मीथेन इथेन, अभी सब पढ़ना ही है इसमें, तो मीथेन और स्ट्रक्चर सबका डॉट स्ट्रक्चर ऐसे। इसी तरह से आप जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड है सबका आप बना सकते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का आप बनाने का कोशिश करो, CO2, ठीक है, इसका बनाने का कोशिश करो, देखो बनता है कि नहीं बनता है। थैंक यू वेरी मच, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं अगले पार्ट।